चेकिंग करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि घर में अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो आप अपने हाथों को क्लीन कीजिए। अगर आपके पास में स्पिट स्वैब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हाथों को साबुन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में नेचुरली उनको ड्राई होने दीजिए। और हॉस्पिटल सेटअप में भी अगर आप RBS चेक कर रहे हो तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो उन्होंने स्पिट स्वैब से क्लीन किया और तुरंत प्रिक कर लिया है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना होता है। पहले जो प्रिकिंग की साइट होती है उसको नेचुरली ड्राई होने देना है, जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद में ही वहाँ पर आपको प्रिक करके ब्लड लेना है, अदरवाइज रीडिंग गलत आ सकती है। अब आपने हाथ क्लीन कर लिए, लेकिन अब इसको ग्लूकोमीटर को भी तो सेटअप करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो स्ट्रिप्स होती है उनको चेक करो, उनकी एक्सपायरी चेक करो। अब इसमें दो तरीके की एक्सपायरी होती है, एक तो इस जो डिब्बी आती है उसकी खुद की एक्सपायरी, यानी कि अगर आपने ओपन नहीं किया है तो फिर इसकी एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरर देता है वो होती है, लेकिन अगर आपने इस डिब्बी को ओपन कर लिया है तो फिर इसकी एक्सपायरी हो जाती है गाइस मात्र 3 महीने। 3 महीने के अंदर जो इसके अंदर में 50 स्ट्रिप्स आती है या 100 स्ट्रिप्स आती है वो आपको पूरी यूज करनी होती है। इसमें होता है यही है गाइस कि जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन होती है वो इस स्ट्रिप्स के अंदर में लगे हुए ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्शन करती है और इन शुगर स्ट्रिप्स को खराब कर देती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको एयर टाइट ही रखना है और ओपन करने के 3 महीने के अंदर इनका कंजेक्शन करना ही है। तो गाइस स्ट्रिप्स को आपने चेक कर लिया, अब बात करते हैं इस मशीन को, इसको कैसे हम यूज करेंगे। होता क्या है, आपने लेंसेट डिवाइस को पहले रेडी कर लेना है और उसके बाद में हाथों को तो आपने क्लीन कर ही लिया है और प्रिक करते हैं उससे जस्ट पहले इस मशीन को रेडी कर लेना है, यानी कि स्ट्रिप्स को निकालना है और इस मशीन में लगाना है। ग्लूकोमीटर में जैसे ही स्ट्रिप को अटैच करेंगे इसकी स्क्रीन अपने आप ओपन हो जाती है और उसके बाद में एक ब्लड जो ड्रॉप होती है उसका ब्लिंकिंग साइन आता है। मोस्ट ऑफ ग्लूकोमीटर्स में ऐसा ही होता है, तो जब वो साइन आता है उस समय में आपको तुरंत प्रिक करना है और विद इन सेकेंड्स आपको वहां पे अपनी ब्लड की ड्रॉप को इसके अंदर में डाल देना है, तभी आपकी रीडिंग सही आएगी। गाइस बहुत सी बार ऐसा होता है कि इसमें स्ट्रिप लगा के रख दिया है और उसके बाद में लेंसेट डिवाइस को रेडी करने में टाइम लगाते हैं और फिर ब्लड ड्रॉप लेके जब इसमें लगाने की बारी आती है उस समय में इसकी रीडिंग चली जाती है और ये अपने आप से बंद हो जाता है। वहां पे फिर से स्ट्रिप आप दोबारा से लगाओ या ब्लड जो आपका ड्रॉप आया है वो कॉन्टामिनेटेड होने के चांस होते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले लेंसेट डिवाइस को रेडी कर लो, उसके बाद में स्ट्रिप लगा के ऑन करो और विद इन सेकंड प्रिक करके तुरंत इसमें से रीडिंग ले लो। गाइस तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पे एक चीज आपने देखी होगी, जो ये ग्लूकोमीटर की डिवाइस है ये बहुत सी कंपनीज की आती है, कुछ कंपनी की महंगी आती है कुछ की सस्ती आती है। तो गाइस ये महंगी सस्ती का भी एक ट्रैप होता है, उसके अंदर में आपको नहीं पड़ना है, इसको आपको अवॉइड करना है। होता क्या है गाइस, जो 400-500 रुपए का ग्लूकोमीटर आता है, ये मशीन आती है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मशीन 400-500 रुपए की आती है वो सस्ती तो दे देते हैं लेकिन उसके साथ में आने वाली ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स ये बहुत महंगी कर देते हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सस्ता ग्लूकोमीटर पकड़ा देंगे, आप सोचेंगे वाह मुझे तो बहुत फायदा मिला है, रीडिंग भी सेम ही आ रही है, लेकिन जो सारी कॉस्ट कटिंग है ना वो इस स्ट्रिप में वो निकाल लेते हैं। इसीलिए जो एक अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर आप ले रहे हो 1000 से 1500 का, बहुत अच्छा ब्रांड का ग्लूकोमीटर आ जाता है वह आप लीजिए। उनकी टेस्ट स्ट्रिप है वो पर टेस्ट में आई थिंक 11-12 रुपए की पड़ती है, जबकि अगर आप ऐसे किसी एरीगेरी कंपनी का ले लोगे तो फिर आपको 25-30 रुपए का एक स्ट्रिप पड़ेगा, जो आगे चल के आपको अल्टीमेटली ज़्यादा कॉस्टली ही पड़ने वाला है। तो आप ग्लूकोमीटर जब खरीद रहे हो तो कॉस्ट एनालिसिस आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ब्लड शुगर जो डेली रूटीनली चेक करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें गाइस कि इन ग्लूकोमीटर्स को यूज़ तो कर लिया है लेकिन इनका जो वेस्ट मटेरियल है बहुत से लोग उनको ऐसे वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डिस्पोज इनको करना होता है। स्ट्रिप को और लेंसेट जो कि एक तरीके से इंजरी आगे किसी को भी दे सकती है, तो उसको बचाने के लिए एक अच्छे से कंटेनर में इनको पैक करना है जो कि पंचर प्रूफ हो, तो उसके अंदर में इसको डाल देना है और उसके बाद में ही इसको डिस्कार्ड करना है। ओके गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि लेंसेट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है लेंसेट को कैसे रेडी करना होता है, तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए कि लेंसेट को कैसे रेडी कर लेना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई होगी, कुछ नया ही आपने सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी नीडफुल लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे उम्मीद है उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्लूकोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिए, और लेंसेट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आप राइट वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेटिव दी हुई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।